दोस्तों यहीं पे आप देख रहे हैं कि 12th का रिजल्ट जो दोस्तों आ गया है, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वेबसाइट में जाके यहाँ पे आप अपना रोल नंबर और रोल कोड देके जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट 10th का या तो फिर 12th का। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है सिंपली इस वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ आप सबसे ऊपर में जो है यहाँ पे आपको रोल नंबर देना है। तो रोल नंबर आपका जो है 6 डिजिट का रहता है दोस्तों, यहाँ पे रोल नंबर आपको डाल देना है। और रोल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे में आपको रोल कोड डालना है। तो दोस्तों आपको इस आपका स्कूल का या कॉलेज का जो है रोल कोड जो है वो रोल कोड आपको नीचे में डाल देना है। और सेकंड थर्ड नंबर में दोस्तों यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। जैसे दोस्तों कैप्चा यहाँ पे मेरा जो दिखा रहा है 6615, इसको दोस्तों कैप्चा बोला जाता है। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप सबमिट के बटन पे क्लिक, जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका रिजल्ट शो होने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट क्लास 12th एग्जामिनेशन रिजल्ट ईयर 2020। तो दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट लॉकडाउन के कारण थोड़ा लेट हो गया था, और लेट होने के कारण दोस्तों आज ही जो है जारी हो गया है कुछ ही घंटों पहले। तो तुरंत जो है आप इस वेबसाइट को ओपन करें अपने मोबाइल में, और रिजल्ट जो है आप 10th का या 12th का जो देखें, आशा करते हैं दोस्तों आप पास हो जाएंगे। और इस रिजल्ट को आप इस वेबसाइट को कैसे जो है यहाँ से ओपन करेंगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद इस वेबसाइट को कैसे ओपन करना है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से जो है आपको चल जाना है क्रोम ब्राउजर में। यहीं पे दोस्तों हम लोग जो आ गए हैं क्रोम ब्राउजर में, और क्रोम ब्राउजर में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है upnic.in/result2020। इसी के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च मार देंगे। सर्च मारते ही दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर में आपका जो लिंक आ जाता है, लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका रिजल्ट जो है आ गया है। यहाँ पे 10th और 12th का दिखा रहा है। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास 12th एग्जामिनेशन 2020, यूपी बोर्ड हाई स्कूल क्लास 10 एग्जामिनेशन 2020। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको 12th को देखना है तो ऊपर वाला लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, और 10th का अगर देखना है तो नीचे वाले लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम ऊपर 12th के लिए जो है ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करते हैं, और लिंक पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे जो ये वेबसाइट आपका जो है प्रॉपर पेज खुल के आ जाता है। यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद स्कूल कॉलेज या स्कूल का कोड डालना पड़ेगा, उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पे आप डाल सकते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहीं पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि नीचे में कैप्चा कोड जो है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट शो कर जाएगा, और दोस्तों आप आशा करते हैं कि आप पास हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और भी इस टाइप का लेटेस्ट अपडेट रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि इसी टाइप के जो है एक न्यू अपडेट के साथ मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।